महिला दिवस के उपलक्ष्य में ठाणे से सटे भिवंडी में महिला मोटर बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस महिला मोटर बाइक में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई, जिसमें पुलिस, डॉक्टर, वकील शामिल हुए। भिवंडी टावर स्टेडियम से लेकर गोकुल नगर के पास चैलेंज ग्राउंड तक 5 किलोमीटर की यह रैली तय की। वहीं डॉक्टर हीना खान ने भी सबको महिला दिवस की बधाई दी और कहा कि हर पुलिस चौकी महिलाओं का मायका है और हर गुनहगार का घर। हीना खान ने बेटियों के संबंध में एक बहुत ही अच्छी कविता भी सबको सुनाई। ओलंपिक मेडल जीतने वाली महिलाओं के लिए समर्पित किया है कि करते रहे गुनाह हम बस बेटे की शौक में, करते रहे गुनाह हम बस बेटे की शौक में, कितने मेडल मार दिए जीते ही कोर्ट में, करते रहे गुनाह हम बस बेटे की शौक में, कितने मेडल मार दिए जीते ही कोर्ट में, बेटी बचाओ के केवल नारे लगाते रहे हम जोश में, बेटी बचाओ के केवल नारे लगाते रहे हम जोश में, जब बेटियों ने देश को बचाया तब आए सब होश में। तब समझ में आया जब हर औरत का वो महिला है तो हर गुनहगार का वो ससुराल भी होगा। सो रियली वी आर थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट कि आपने इतनी खूबसूरत बात हमें कही। हम और हमारे बच्चे हमेशा आपके यहाँ आने में अपने आप को महफूज समझेंगे और सभी औरतों को मैं महिला दिन की शुभेच्छा देती हूँ। इसके अलावा डीसीपी मनोज पाटिल का कहना है कि जब महिलाएं पुलिस चौकी को अपना घर समझेंगी तभी गुनहगारों को सजा मिलेगी और गुनाह भी कम होगा। महिलाओं को आप बताएंगे कि हम पुलिस के साथ हैं। पुलिस, जैसे मेरे एसीपी साहब ने कहा कि पुलिस आपका माहिर है, आप हमारे यहाँ अपने भाई के घर जैसे आते हैं उतने हक से जब महिला आना शुरू करेंगे तभी जो अन्याय अत्याचार होते आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी वो कम होने में मदद होगा। उससे ज्यादा और एक चीज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, पर्टिकुलरली छोटे बच्चों पे जब अत्याचार होता है उस टाइम पे घर वाले वो बच्चों को बोलते चुप बैठ, बाहर नाम मत निकाल, कुछ होगा तो जिंदगी भर तुझे प्रॉब्लम होगा, ये बताने में महिलाएं ज्यादा आगे होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ सब लोगों से कि हमको इससे पार जाना है। लॉ कायदे में काफ़ी बदल हुए हैं। आज घर में किसी बच्चे ने या बच्ची ने कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दिया तो घर के लोगों को पता नहीं चलता कि ऐसे हमारे घर के बच्चे ने कंप्लेंट दिया। सी ऐसे सिचुएशन अच्छी नहीं है, पर फिर भी इस चीज़ का मैं आप सब लोगों को प्रॉमिस देना चाहता हूँ कि ऐसे अगर कोई कंप्लेंट दे तो आपकी आइडेंटिटी 100% सिक्योर रखने का वादा मैं एक भाई के नाते आप सब लोगों को देना चाहता हूँ।